गोकुलदास महाविद्यालय में मीडिया की भूमिका विषय पर एक लेक्चर श्रृंखला का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दैनिक समाचार के पत्रकारों को मीडिया एंड जर्नलिज्म द फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया। डॉक्टर माधव शर्मा ने अपने वक्तव्य में छात्राओं को मीडिया से संबंधित अनेकों उपयोगी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के समय में मीडिया एक जरूरत का आकार ले चुका है। इंटरनेट क्रांति के दौर में मीडिया एक प्लेटफॉर्म के रूप में दुनिया को बेहतरीन तोहफे के रूप में मिला है। ये बात असत्य नहीं है कि विभिन्न अवसरों पर मीडिया ने अपने महत्व को साबित भी किया है। मीडिया की भूमिका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। प्राचार्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए मीडिया की भूमिका से होने वाले अनेकों लाभों को बताया। उन्होंने बताया कि मीडिया, सोशल मीडिया वाकई बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जरूरत है इसकी उपयोगिता और शक्ति को समझने की। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में भी मीडिया की एक अहम भूमिका है, परंतु इसका निष्पक्ष और सकारात्मक होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर शशि सिंह ने कहा कि सारनाथ अशोक स्तंभ का छुपा हुआ चौथा शेर मीडिया है, जो इतना सशक्त है कि वो समाज को भी आसानी से परिवर्तित परिणामों की असफलता को सफलता में बदलने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। इसीलिए छात्राओं को मीडिया को भी एक करियर निर्माण के लिए चयन करना चाहिए। कार्यक्रम में समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। कि हो गई है तीर पर्वत सी की हल्ली चाहेंगे, इस हमारे से कोई गंगा निकलनी चाहेंगे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहेंगे, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं एक आग लगनी चाहिए। जब ये लाइन में हाथ मिलता है तो मुरादाबाद के अंदर 80 के टाइम सन 80 के दौर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं उसकी पंक्ति सुनकर, और मुरादाबाद के लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी कि वो शख्स कोई और नहीं थे, दुष्यंत थे। पत्रकारिता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, क्या उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का? हमारे महाविद्यालय में हमारा यही प्रयास है कि हम अपनी छात्राओं को विभिन्न विषयों पर जानकारी दे सके, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सके, कि जब वो अपनी डिग्री हासिल करके इस महाविद्यालय से बाहर जाए, कदम रखे, तो वो हर परेशानी को, हर चुनौती को झेल सके। चाहे कोई छात्रा अपने घर में रहे, परिवार में रहे, या कोई प्रोफेशन चुने, उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लीट होनी चाहिए, पूरी तरह इवॉल्व होनी चाहिए। इसी सीरीज में हमने कुछ लेक्चर्स का आयोजन किया है, और जिसमें आज पहला हमारा आयोजन है लेक्चर का, जिसमें हिंदुस्तान से डॉक्टर माधव उपस्थित हैं और मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इस विषय पर वो व्याख्यान दे रहे हैं।